हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी इन ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल वेल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज इस समय प्रगति पर है। इसके अंतर्गत आपने सबसे पहला टॉपिक रिमूव ऑफ टू का स्टडी किया है, जो कि एंड हो गया है। आज उसी के आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वो आपको स्टडी कराया जाए। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करें सबसे पहले बच्चों, तो आपके मन में एक क्वेश्चन पुट अप होता है, ये उठता है कि डिग्रीज है क्या, डिग्री किसकी बनती है। ऐसे सारे क्वेश्चन उठते हैं, डिग्री के प्रकार क्या होती हैं, ये सब कुछ मोस्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो हम जानकारी के लिए बता दें कि जो डिग्री है आपकी, वो हमारी एडजेक्टिव की बनती है। तो डिग्री किसकी बनती है? डिग्री हमारी एडजेक्टिव की बनती है, और जो एडजेक्टिव के प्रकार ही डिग्री को बनाते हैं। यहां पर तो बात करें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, तो डिग्रीज जो हैं ये तीन प्रकार की होती है। डिग्री तीन प्रकार की होती है। डिग्री तीन प्रकार की होती है। अगर फर्स्ट की बात करें, पॉजिटिव डिग्री। नंबर टू की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री। और नंबर थर्ड की बात करें, तो वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री के यहां पर तीन प्रकार हैं। पहला जिसमें आता है पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर तीसरा की बात करते हैं वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रकार की डिग्रीज हैं आपको, जो कि क्रमवत हैं पार्शियल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम बात करें सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री की, चलते हैं अब बात होगी सभी क्रमवत के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्शियल डिग्री की। तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच उनके गुणों या दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच उनके गुणों या दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है आपको, पॉजिटिव डिग्री में उनको किसी व्यक्ति के बीच में तुलना होगी, किसी वस्तु के बीच में तुलना होगी या स्थानों के बीच में तुलना होगी।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, तुलना हमेशा एक लेवल में की जाती है। जैसे आपका व्यक्ति से तुलना करना तो व्यक्ति से करेंगे, स्थान की तुलना स्थान से करेंगे, वस्तु की तुलना वस्तु से करेंगे। ये मत बोल देना कि तुम जो है घर से लंबे हो, तो ऐसी तुलना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें कि हम पॉजिटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर उभर कर आता है कि पॉजिटिव डिग्री को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जानकारी के लिए बता दें कि जो इसमें है, इसमें जो वाक्य होगा एज से बंद होगा या सो एज से बंद होगा। एक चीज से यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर वाक्य पॉजिटिव है, वाक्य पॉजिटिव है या कह लीजिए सिंपल है, तो जो डिग्री होगी पॉजिटिव की वो एज और एज से बंद होगी। अगर वाक्य में निगेटिव है भाई, अगर नेगेटिव है तो उसको हम लोग सो और डॉट एज से क्लोज करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि वाक्य में अगर सिंपल है तो एज से बंद करेंगे, अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है नेगेटिव है तो सो और एज से बंद करेंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखना। एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे कहें आई एम एज वाइज एज यू, मैं उतना बुद्धिमान हूं जितना कि तुम हो। तो यहाँ पे एज और एज का मतलब होगा जितना उतना, ये सो एज होगा तो जितना उतना, यदि अर्थ हमारा वही रहेगा, इसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे बोले नो अदर कंट्री इज सो बिग एज इंडिया, यहाँ पर भी सो और ऐसे बंद है, यानी सो ऐसे जो भी डिग्री बंद होगी वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी। इसमें कोई किसी भी प्रकार का सस्पेंस आपको नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कहा जाए वेरी फ्यू गर्ल्स और एज कॉल एज मीना, अब यहां पर वाक एज और एज से बंद है, तो समझ जाना जो एज से बंद हो या सो एज से बंद हो डिग्री हमारा, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। तो पॉजिटिव डिग्री में पहचानेंगे ना कैसे, कैसे पहचानोगे या यहाँ पर वाक्य जो है एज से या सो एज से बंद होगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं अगले डिग्री की ओर। अगला डिग्री आता हमारा जो अगली डिग्री हमारी है वो है कंपैरेटिव डिग्री। अगली डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। नंबर टू डिग्री आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या है, इसमें भी दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच उनके गुणों या दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगी भाई, कंपैरेटिव डिग्री होगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में भी दो व्यक्ति वस्तु स्थान या उनके गुणों या दोषों के बीच यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वही हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसमें कई प्रकार के एग्जांपल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले इसके एग्जांपल की। जैसे बोला जाए आई एम टॉलर देन यू, तो एक चीज आपको बता दें कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे,
सबसे पहले तो दैन लिखा रहेगा। दैन अगर लिखा है तो समझ जाना वाक्य हमारा कंपरेटिव डिग्री में होगा। ये सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है कंपरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए। इसको यहाँ पर आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपरेटिव डिग्री तो लिखा ही रहेगा, साथ में इसके दैन का भी प्रयोग होगा, तो वह वाक्य हमारा कंपरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहें राम इज वाइजर देन एनी अदर, राम इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो यहां पर वाइजर आया है, साथ में देन भी आया है, तो वाक्य हमारा कंपरेटिव डिग्री में होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। एक और एग्जांपल की बात करें, कपिल शर्मा इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर कॉमेडियंस। तो यहां पर मोर पॉपुलर तो लिखा ही है, जो कि हमारा कंपरेटिव डिग्री होता है, साथ में दैन भी लिखा है, तो ये डिग्री हमारा होगा कंपरेटिव डिग्री, जो कि ये आपका मेन आइडेंटिफिकेशन है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। तो कंपरेटिव डिग्री पहचानने के लिए दैन लिखा रहेगा, साथ में कंपरेटिव डिग्री भी लिखा रहेगा, तो वाक्य हमारा कंपरेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में रखते जाए। अब हम चलते हैं अगली डिग्री की ओर, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत अब आपको यहां पर स्टडी कराया जाएगा। चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वह एडजेक्टिव का सर्वोच्चतम फॉर्म होता है, सर्वोच्चतम रूप होता है। अब इसमें क्या है पहचान, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना की जाती है। तो जो है यहां पर तुलना होगी, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान होंगे, तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत तुलना की जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, जैसे कहा जाए वह सबसे अच्छी लड़की है, आपका एग्जांपल है वह सबसे अच्छी लड़की है, तो यहां पे आया है सबसे अच्छी, जो कि हाईएस्ट फॉर्म दिखाता है एडजेक्टिव का, तो वह यानी सी इज द बेस्ट गर्ल। यहां पर एडजेक्टिव का हाईएस्ट फॉर्म रहेगा, साथ में द का भी प्रयोग किया जाएगा, तो समझ जाना कि वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगला एग्जांपल दें, अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे मीना
अपनी कक्षा में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। मीना अपनी कक्षा में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। तो ध्यान दें ट्रांसलेट क्या होगा, मीना है सुंदर में से वन ऑफ द, मीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। इसका मतलब यह हुआ कि मीना कक्षा में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। तो जो आपका ये लिखा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव का हाईएस्ट फॉर्म है जिसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इसके पहले द भी लिखा है तो जो कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री होने का संकेत करता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होने के बारे में बताता है। तो इसी के साथ अब आपको इसके एग्जांपल्स हल कराए जाएंगे, तब तक इसको समझें, वीडियो को देखें और फिर मिलते हैं नए वीडियोज में।